नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10T वर्सेस Samsung Galaxy A22 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में 6.37 इंच जबकि Galaxy A22 में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Xiaomi Redmi Note 10T से कम है। विड्थ की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में 2.96 इंच जबकि Galaxy A22 में 2.9 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Xiaomi Redmi Note 10T से कम है। बात करें थिकनेस की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 0.35 इंच जबकि Galaxy A22 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 190 ग्राम जबकि Galaxy A22 में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में IPS LCD जबकि Galaxy A22 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में 6.5 इंचेस जबकि Galaxy A22 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Xiaomi Redmi Note 10T में 1080x2400 और Galaxy A22 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Xiaomi Redmi Note 10T में 83.72% जबकि Galaxy A22 में 84.35% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A22 में 274 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A22 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A22 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 10T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy A22 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में Mali G57 MC2 जबकि Galaxy A22 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में MediaTek Dimensity 700MT6833 और Galaxy A22 में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 6GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में 4 कलर्स जबकि Galaxy A22 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Xiaomi Redmi Note 10T की 16,499 रुपीज जबकि Galaxy A22 की 18,499 रुपीज प्राइस है।
जो कि Xiaomi Redmi Note 10T से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी A22 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Xiaomi Redmi Note 10T आगे है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 14,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme Narzo 35G है जो कि 15,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 85G है जो कि 15,499 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटिव फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 15,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।